हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश सिविल जज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। उसका क्या पिछले साल का कट ऑफ था, इस बार का क्या प्री का कट ऑफ रह सकता है। आंसर की आ चुका है सो आपको पता होगा सब कुछ कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, मैं कट ऑफ आपको बता दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मेंस कब हो सकता है और इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। सो पूरा सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ बने रहिए और हो सके तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा, डिसलाइक क्यों किया है ज़रूर बताइएगा। सो आइए देखते हैं, 252 पोस्टें थी इसमें और आपको मार्च में एग्ज़ाम हुआ था। इसमें प्री है जो कि स्क्रीनिंग है, मेंस है, इंटरव्यू है। उसके बाद अगर हम 2019 का कट ऑफ देखेंगे, अगर जो मेंस के बाद जो कट ऑफ होता है वो जो हुआ था अनरिजर्व के लिए 211.5 था, ओबीसी के लिए 200.5 और एससी के लिए 181 और एसटी के लिए 180.5। ये मेंस के बाद का कट ऑफ है। अगर हम प्री का कट ऑफ देखें तो यूआर के लिए 95 प्लस 4 पोस्ट, चार पोस्ट बाद में ऐड कर दी गई थी तो टोटल 118 कट ऑफ गया था। 1022 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। ओबीसी के लिए 27 पोस्ट थी जिसमें 113 कट ऑफ गया हुआ था, 284 कैंडिडेट क्वालिफाई थे। और एससी के लिए 30+1 था यानी 31 पोस्ट था, उसमें 94 मार्क्स जो है कट ऑफ गया था, 314 लोग क्वालिफाई किए थे। और एसटी के लिए 60 सीटें थी जिसमें कि 84 मार्क्स गया था कट ऑफ, 206 लोग क्वालिफाई किए थे। उसके बाद हम देखते हैं इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। इस बार का कट ऑफ देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 112 से 115 के बीच रहेगा, ओबीसी के लिए 107 से 110 के बीच रहेगा और एससी के लिए 94 से 97 के बीच रहेगा और एसटी के लिए 85 से 88 के बीच रहेगा। जो मेरा मेन पर्पज था कि रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मेल और मैसेज दोनों आ रहे थे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में भी लास्ट जो हमारा वीडियो था एमपी सिविल जज का, उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उसमें कमेंट आए थे कि सर रिज़ल्ट का क्या हुआ, कब आएगा। आंसर की तो आ चुका है। सो रिज़ल्ट का जो देखिए, रिज़ल्ट का जो आपका प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो इस मंथ में शायद रिलीज़ नहीं हो, जो जून में आपका रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। सो आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इस मंथ थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से इस मंथ में आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल रिलीज़ नहीं हो सकता है। और रिज़ल्ट जब भी आपका रिलीज़ होगा तो उससे पहले मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे दूंगा कि हाँ आपका इस वीक रिज़ल्ट आने वाला है। सो प्लीज़ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस मंथ रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इंश्योर रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि अगर इसका रिज़ल्ट अगर जून में आता है तो इसका मेंस कब हो सकता है। देखिए जब भी आपका एमपीपीएससी का हो चाहे किसी भी स्टेट कमीशन का, जिसमें तीन फेज होते हैं पेपर के, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो उसमें अगर हमेशा मेंस का जो डेट होता है वो हमेशा तीन से चार महीने के बीच होता है। जो प्री का रिज़ल्ट आता है उसके 2.5 महीने या 3.5 महीने के बाद ही होता है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपका जून में पेपर रिज़ल्ट आता है तीसरे महीने में, तो यानी आपके अगस्त मिड में, नहीं तो आपके सितंबर मिड में स्टार्ट हो जाएगा मेंस, ठीक है। उसके लिए आपका नोटिस भी आ जाएगा कि आपका कब से मेंस है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। इंटरव्यू का कोई आपका फिक्स एरिया नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जो आपका बैकग्राउंड होता है पहले तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बाद आपके सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो सिनारियो होता है इंटरव्यू का। तो आपको इंटरव्यू के लिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर वो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको एक तो आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा और दूसरी चीज़ क्या होगा, अगर जहाँ आपको कमी आ रही है, जहाँ आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, जहाँ आपके एटीट्यूड रॉन्ग हो रहा है, वो आपको इम्प्रूव कर देंगे वहाँ पे। सो ये चीज़ें आप इंटरव्यू के लिए फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।